गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आप सभी को क्लास के अंदर अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठना होता है, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एक्टिविटीज़ पर जाकर, यानी कि यहाँ पर क्लिक करना होता है। एक्टिविटीज़ के बाद में आपको वन एक्टिव पोल पर जाना होता है, और जो भी ऑप्शन करेक्ट हो उसको चूज़ करके आपको वोट पर क्लिक करना होता है, ताकि यहाँ लिखा जाए वोटेड। ठीक है बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते भी हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम टेंथ क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें जितने भी ज़रूरी कंसेप्ट चाहिए वो इस क्लास के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस के ऊपर बात की थी। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस के ऊपर हमने एडिशन पढ़ लिया था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने कंप्लीट किया था, और आज की क्लास में हम लोग डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का रिवाइज करा देते हैं, आपसे एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की बात की जाए तो हमने कहा था सर मल्टीप्लिकेशन हम दो तरीके से पढ़ेंगे। किस तरीके से? सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। सर एक तो ये पढ़ेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को किसी होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, या किसी भी होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए आप 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 2/3 से, आप जानते हैं कि सर अगर हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से, तो सर हम लिखेंगे 4 × 2/3। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 मान लिया, सर ऊपर का नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8, और सर नीचे का नंबर नीचे के साथ मल्टीप्लाई 1 × 3 = 3। इतना सभी को क्लियर हो गया कि सर आंसर आ गया 8/3। एक चीज़ हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, भाई आप 4 × 8 लिखो चाहे 2 × 8 लिखो, बात एक ही है। भाई 2 × 8 होते हैं, 4 × 8 होते हैं। सर इसका क्या मतलब है कि सर 4 × 2 बराबर किसके बराबर होता है? 2 × 4 के बराबर होता है। इसी तरीके से बच्चे फ्रैक्शन के अंदर भी होता है कि आप लिखो 4 × 2/3 चाहे आप लिखो 2/3 × 4, बात एक ही है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 और डिनोमेटर डिनोमेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा 3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार बताइए आप कि सर मेरे को यहाँ पर कोई डाउट है। वैसे तो सभी को क्लियर है, सभी ने चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखकर भेज दिया है। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए सर, ये तो वो बात हो गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 8 × 3/2 कितना होगा, 8 × 3/2 कितना होगा। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा अपना? 12 होगा। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीजर कैसे करेंगे? आपने कहा सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लिया। सर या तो एक बच्चा ऐसे करेगा कैसे कि सर 8 × 3 यानी कि 8 × 3 = 24, और सर 1 × 2 कितना होता है? सर 2 होता है। और जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमने डिस्कस किया है सिंप्लीफिकेशन के बारे में, भाई जब हम इसका क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आप जानते हो कि सर जिन नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आते हैं वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि आपने कहा सर ये नंबर ऊपर जो 24 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2, और 2 से कट गया तो 12 आ गया। सर किसी के नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर आंसर आ गया 12। कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पर कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करेंगे कि सर 8 × 3/2 है, तो आप जानते हो कि आप 8 के नीचे क्या एज्यूम कर लोगे? सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो आपने 1 मान लिया। अब आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, आपने कहा सर मैंने 8 लिया, सर 8 कहाँ पर है? आप कहोगे सर 8 न्यूमरेटर में है, तो आप डिनोमिनेटर में एक ऐसी संख्या ढूंढोगे, यानी कि डिनोमिनेटर में आप एक ऐसा नंबर ढूंढोगे जो या तो 8 से कट जाए या फिर वो 8 को कट कर दे, तो कहाँ ढूंढोगे आप? क्योंकि सर 8 न्यूमरेटर में है, इसलिए जो हम नंबर ढूंढेंगे सर वो डिनोमिनेटर में ढूंढेंगे। आपने कहा सर डिनोमिनेटर में एक नंबर मिल गया 2, सर 2 से 8 कट जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, तो सर हमारा आंसर कितना आ गया? आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3, तो सर ऊपर आ गया हमारे पास में 12, और सर नीचे 1 × 1 कितना आ गया 1। आप लिखो चाहे मत लिखो सर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि तो हमने सीख लिया कि सर एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ में, या फिर सर एक होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस और पढ़ लेते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। आपको सर जैसे लिखा है 4/3, आपने लिख दिया सर 4/3, सर मल्टीप्लाई करना है 5/6 के साथ में,
आप जानते हो क्या चीज जानते हो? एक बच्चा तो इसको ऐसे करेगा, सर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर के साथ में, आपने कहा सर 20 हो गया, और सर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा डिनोमिनेटर के साथ में कितना हो गया सर 3 6 18 हो गया, और आप जानते हो जिन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो नंबर 2 से कट जाते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेम नंबर से कट रहे हैं सर 2 से, 2 10 20 और 2 9 18 कितना आ गया 10/9। क्लियर है इतना सभी को? या फिर एक बच्चा ऐसे भी करेगा, उसके बारे में हम जरूर बताएंगे कि 4/3 × 5/6 है। आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, आपने कहा सर मैंने न्यूमरेटर में 4 पकड़ लिया, तो अब आप दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में ढूंढोगे कि या तो वो 4 को काट दे या 4 से कट जाए, या फिर वो एक ऐसा नंबर हो जो किसी एक नंबर से दोनों संख्या कट जाए। जैसे कि आपने 6 को देखा और आपने कहा सर 4 और 6 दोनों कट जाएंगे 2 से, तो आपने इनको 2 से कट कर दिया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और आपका आंसर कितना आ गया सर 2 × 5 10 और सर 3 × 3 9। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से सभी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया है, तो अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आने वाला है, आपसे बच्चे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद में आपसे बच्चे अपना आंसर करोगे पोल सेक्शन के अंदर वोट। ठीक है, चलिए देखिए, पूछा गया रिकॉल टेस्ट के अंदर कि मल्टीप्लाई करना है आपको 9 को 3/2। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, वजह आप लोगों को पता है चैट सेक्शन बंद करने की, कि सर जो भी क्वेश्चन होता है वो हमें सोल्व करके पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना होता है। ठीक है, और आज आपको कुछ चेंज भी दिख रहा होगा, यानी कि आपसे तो पूछा गया कि मल्टीप्लाई कीजिए 9 को 3/2 से, यानी कि 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 3/2 से कि कितना आता है। दूसरा, आपको पोल कैसे दिखेगा कि आपको जिन बच्चों को पोल आता है वो ठीक है पोल में करेंगे, जिनको नहीं आता है वो 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक्टिविटीज़ का ऑप्शन दिखेगा या फिर हिंदी में गतिविधियों का ऑप्शन मिलेगा, और फिर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको लिखा दिखाई देगा 1 एक्टिव पोल। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे A B C D, जो भी ऑप्शन सही लगता है आपको उस पर क्लिक कीजिए और नीचे लिखे हुए वोट को दबा दीजिए ताकि वो लिखा जाए वोटेड। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और जिस बच्चे का हो जाएगा अगर कॉपी दिखाना चाहता है तो बच्चों कॉपी भी दिखा सकता है कि सर मेरा हो गया सर। ठीक है चेतना, दिखाई बच्चे अपनी कॉपी को। हो गया सर, क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी सालू पंचाल के नाम से एक बार बच्ची कॉपी दिखा देंगी। कोई बात नहीं बच्चे, आराम से कैमरा फ्लिप कर लीजिए, कैमरा फ्लिप कर लीजिए आराम से सालू के नाम से। बच्चे माइक सभी बंद रखेंगे, हम एक एक करके सभी के पास में आएंगे, जैसे कि अभी हम निशा की कॉपी देख रहे हैं, तो निशा का भी ठीक है, रेनु आप भी दिखाना चाहते हैं? मेरा देख लिया। हाँ रेनु दिखाइए बच्चे, दिखाइए रेनु आप। ठीक है रेनु, चलिए हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी देख ली है, यानी कि सभी बच्चों को ठीक है जितने भी के हैं, निशा के भी देख लिए हमने, रेनु को भी देख लिया हमने, और चेतना की देख ली हमने। अभी हम एक बच्चे का नाम लेते हैं, वो अगर कॉपी दिखाना चाहे तो वो दिखाए। नाम लेते हैं हम किसका, राघव के नाम से किस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है बच्चे? ठीक है, ठीक है बच्चे आपका भी। चलिए अब हम देखते हैं कि पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो हम देख पा रहे हैं कि पोल सेक्शन के अंदर अभी तक सिर्फ 8 ही बच्चों ने वोट किया है, और बच्चे क्लास के अंदर कितने, 16 17। तो जल्दी से बच्चे क्या करें, जल्दी से अपना पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, जिन बच्चों के पास है पोल सेक्शन आता है, लास्ट 10 सेकेंड्स हैं आपके पास में, लास्ट 10 सेकेंड्स। अब लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, 5 4 3 2 1। देखो अभी क्लास के अंदर 17 बच्चे हैं, और 17 में से 10 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, 7 बच्चों ने नहीं किया है, तो वो 7 बच्चे क्या करें, जल्दी से 7 में से 1 तो मान लेते हैं निशा और हिमांशी एक ही फोन से ज्वाइन करती हैं, तो 6 बच्चे तो अभी भी बच जाते हैं सर, निशा और हिना। हाँ निशा और हिना, सॉरी। ठीक है चलिए, तो 6 बच्चे में से चलो कम से कम 2 बच्चे तो बढ़े हो, जल्दी से आगे, जल्दी से लास्ट। सर मेरा पोल सेक्शन नहीं आता। ठीक है बच्चे, तो लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चैट सेक्शन में सिर्फ वही बच्चे आंसर भेजे, जैसे कि विवेक कुमार के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन किए, सिर्फ उन्हीं को भेजना चाहिए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता। ठीक है,
ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ज़्यादा बच्चे चैट सेक्शन में मत भेजा करो आंसर, क्योंकि आपका पोल सेक्शन में आ जाता है, हम समझ जाते हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोग क्या करोगे, सर इसका आंसर कितना होगा? आपने कहा सर इसका आंसर क्या होगा, सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लिया, सर ऊपर वाला नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि न्यूमरेटर होगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ में, तो 9 × 3 कितना हो गया 27 अपॉन, सर जो डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 कितना हो गया 2, यानी कि सर आंसर आ गया 27/2। आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है 27/2। ठीक है, सभी बच्चों का ठीक था, पोल में किसी का भी गलत नहीं था। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों का डिस्कस भी हुआ था कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि नेक्स्ट क्लास हम लोग डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे डिवीजन के बारे में, कि आज हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। देखिए डिवीजन करने से पहले आप लोगों को एक वर्ड पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल, कि रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, कि आप किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हो या किसी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे निकालते हो। तो बाय चेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन इज ऑब्टेन। इसका मतलब क्या है सर, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम समझा देते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपके पास में एक फ्रैक्शन है 3/4, एक फ्रैक्शन मान लेते हैं क्या आपके पास में, थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं 3/4, आपके पास में एक फ्रैक्शन है 3/4, अगर आपसे इसका रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर हाँ चेंज कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सर जो पहले डिनोमिनेटर था वो सर आज न्यूमरेटर बन जाएगा, और सर जो पहले न्यूमरेटर था वो आज डिनोमिनेटर बन जाएगा, और आपके पास में क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा, और आप कहोगे सर 4/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। कितना क्लियर हुआ सभी को, कि जो 4/3 होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसका, 3/4 का। इतना क्लियर है सभी को? चलिए जैसा कि एक एग्जांपल आपको देखा जाए या पूछा जाए, तो यही एग्जांपल आपको दिया भी गया है कि बताइए 3/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो आपने कहा सर 3/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 4/3 होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए हमें कि सर मुझे डाउट है, किसी बच्चे को कोई डाउट है माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, फिर हम कुछ नंबर्स पूछ लेते हैं आपसे। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम आपसे कुछ नंबर्स पूछ लेते हैं। देखिए सभी बच्चे हमें बताएंगे, बताइए सबसे पहले रेसिप्रोकल बताइए 7 का रेसिप्रोकल कितना होगा, चलिए बताइए 7 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/7। अच्छा सभी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है ना, एक बार माइक ओपन करके बताइए जल्दी से, सभी को आवाज क्लियर आ रही है ना? ठीक है, तो बच्चे आप एक काम करना, जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही वो क्लास को कट करके फिर से एक बार जल्दी से क्लास को रिज्वाइन कर लो। ठीक है, एक बार क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए बच्चे कट करके। तो क्या करना है? हाँ बच्चे, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप क्लास को कट करो लाल बटन से, और स्क्रीन पे लिखा आएगा रिज्वाइन करने के लिए, आप क्लास को रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपने कहा सर 7 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, तो सर 7 के नीचे डिनोमिनेटर एक मान लेंगे, और सर रेसिप्रोकल क्या होता है कि सर डिनोमिनेटर तो बन जाता है न्यूमरेटर में, और सर जो न्यूमरेटर होता है वो बन जाता है हमारे पास में डिनोमिनेटर। आप कहोगे सर 7 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/7 हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बताइए 25 यानी कि 25/7, 7 की जगह 11 कर लेते हैं, बताइए 25/11 इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 11/25। वेरी गुड, आपने कहा सर 11/25 होगा, ये तो बहुत आसान लग रहा है ना आपको। चलिए अगर ये इतना ही आसान है तो अब हम आपसे दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, और वो थोड़ा साइड में पूछ लेते हैं। सर इनका माइक बंद करवा दो ना। हाँ बच्चे माइक बंद करके बैठेंगे सभी लोग, माइक तभी ओपन करोगे जब आपको डाउट होगा, तो आप बोल देना कि सर रिपीट करो, बाकी तो हम कॉपी चेक कर ही लेते हैं, कॉपी भी चेक करेंगे, अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो वो माइक ओपन करके कह देना कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, बाकी सभी बच्चे माइक बंद करके बैठ जाइए एक बार। देखिए आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बताइए अगर आपसे कोई पूछे कि 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, बताइए 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, कोई बच्चा बताएगा कि 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा? ठीक है, चैट सेक्शन में आ रहे हैं कि सर 0 का रेसिप्रोकल 0 होगा। ठीक है, अगर 0 का रेसिप्रोकल 0 होगा तो आप अपने आप को बताना कितने बच्चों ने सही लिखा है। देखो 0 के नीचे कुछ भी नहीं है
आपने कहा सर इसके नीचे वन होगा, और सर रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाए और सर जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाए। क्या ये टर्म डिफाइन है हम लोगों के पास में? क्या ये टर्म डिफाइन है? आप कहोगे सर ये टर्म तो डिफाइन नहीं है भाई। जीरो बटा एक कितना होता है? आप कहोगे सर जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, ये लिखवाया भी था हमने कि आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, जीरो इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, तो बच्चे ये जीरो होता है। लेकिन पर अगर कहीं लिखा हो वन अपॉन जीरो, या फिर कहीं लिखा हो टू अपॉन जीरो, या फिर कहीं पर भी किसी भी संख्या के नीचे जीरो आ जाए डिनोमिनेटर में, तो आप कहोगे सर ये टर्म क्या होती है? नॉट डिफाइन। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। यानी कि टर्म आज तक डिफाइन नहीं कही गई कि आप किसी भी संख्या को जीरो से कैसे डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते आप किसी भी संख्या को जीरो से डिफाइन। तो आप कहोगे सर रेसिप्रोकल कितना होता है जीरो का? आप कहोगे द रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइन। क्या कहोगे आप? रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइन। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर हो गया तो एक बार माइक ओपन करके यस बोल दीजिए कि क्लियर है जल्दी से। यस सर। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, अब सब बच्चे माइक बंद कर लेंगे। यानी कि आप कहोगे सर जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। अगर आप लोगों से पूछा जाए बताइए वन का रेसिप्रोकल कितना होगा, बताइए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए वन का रेसिप्रोकल कितना होगा, ठीक है, आपने बोला सर वन के रेसिप्रोकल में कौन सी बड़ी बात है? सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लो, सर डिनोमिनेटर तो बन जाएगा न्यूमिनेटर, और सर न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर। और सर वन अपॉन वन को वन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि वन का रेसिप्रोकल कितना होता है बच्चे? बाकी तो आप फ्रैक्शंस के बारे में सीख ही गए हो कि रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पोल सेक्शन के अंदर, सभी बच्चों को सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने पोल का क्वेश्चन आने वाला है, सभी तैयार रहना। पूछा गया आपसे बताइए कि 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया है, वजह आप लोगों को पता है कि सर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमें पोल सेक्शन के अंदर वोट करने होते हैं। चलिए तो आप लोग जल्दी से जाइए सॉल्व कीजिए। पूछा गया है बताइए द रेसिप्रोकल ऑफ 5 विल बी, बताइए 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं जिन बच्चों के पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, आप 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, एक्टिविटीज़ का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज़ पर क्लिक कीजिए तो 1 एक्टिव पोल दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे लिखे हुए वोट को दबाना होगा ताकि वो वोटेड में कन्वर्ट हो जाए। तो अब आप सभी लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, इसमें कॉपी चेक नहीं कर रहे, थोड़ा सा डिवीजन में आगे चलते हैं, डिवीजन में कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या चेक करेंगे? चलिए, बच्चों को नहीं आता होगा। अभी तो हम ऐसी कोई उम्मीद नहीं करते कि किसी बच्चे को नहीं आया होगा, डिवीजन में देखेंगे, माइक बंद करेंगे सब बच्चे और डिवीजन में चेक करेंगे कॉपियां हम। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड से सभी के पास में। हाँ रेनु आप ही दिखा दो अपनी कॉपी बस जल्दी से, लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5, 4, ठीक है बच्चे, बच्चे आपने गलत लिखा है वैसे, अभी हम बताते हैं आपने क्या गलत लिखा है। 4, 3, बच्चे एक बच्चा और रहता है वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। 3, 2, 1, एक बच्चा रह गया देखो पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, सिर्फ हम जानते हैं कि वेग कुमार के नाम से एक बच्चा जिसके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर भेजिए बच्चे। ठीक है, आपका आंसर है सी। चलिए अब सर बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आपसे पूछा गया था बताइए 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा। आपने कहा सर 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 होगा डिनोमीटर में, और सर डिनोमीटर बन गया न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन गया डिनोमीटर, तो ये आ गया सर 1/5। और रेनू बच्चे आप अपनी कॉपी के अंदर लिखी हुई लैंग्वेज को चेंज कर लेना, आपने लिखा है 5 is reciprocal और फिर आपने लिख दिया कितना बच्चे 1/5, तो ये लैंग्वेज थोड़ी गलत है। आप लिखोगे 1/5 is the reciprocal, 1/5 is the reciprocal ऑफ 5। ठीक है बच्चे, जो 1/5 है वो रेसिप्रोकल है किसका? 5 का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एक बार बोल सकता है रिपीट, वरना तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए सर बच्चों ने चैट सेक्शन के अंदर वाइट चेतना थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया है आपने भी, रेसिप्रोकल ऑफ 5। ठीक है,
इक्वल टू 5/1 नहीं 1/5 हो जाएगा, ठीक है चेतना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए रेसिप्रोकल सीख लिया, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, आपको भी सर ऑप्शन सी सही है 1/5। फिर हम लोग आगे चलेंगे, तो सर इसका ऑप्शन तो पता लग गया है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू नो हाउ फ्रैक्शंस आर डिवाइड, यानी कि फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ सर फ्रैक्शंस का डिविजन हम सीख जाएंगे। कुछ बच्चों को तो आता होगा, वो कहेंगे यस सर, और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम क्या करेंगे आज, सर हम सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए हम आप लोगों से दो चीज़ें पूछना चाहते हैं, लास्ट क्लास में कभी ऐसा डिस्कस भी हुआ था, कैसी चीज़ डिस्कस हुई थी कि सर अगर कहीं लिखा है कि b अपॉन a, सर लिखा है b डिवाइड बाय a, और सर अगर लिखा है कि b डिवाइड बाय a, तो इन सभी का हिंदी सॉरी इंग्लिश में जो लैंग्वेज मतलब होता है, इसका मतलब होता है b इज डिवाइडेड बाय a। क्या आप सभी को इतना क्लियर है कि अगर कहीं लिखा हो b इज डिवाइडेड बाय a, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने b को डिवाइड किया है a से, आपने b को डिवाइड किया है ए से, आपने बी को डिवाइड किया है ए से, आपने बी को डिवाइड किया है ए से। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि आपको आज ऐसे सीखना है बी इज डिवाइडेड बाय ए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए डिवाइड का साइन है, और आप डिवाइड कर किससे रहे हो, सर हम डिवाइड ए से कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, सर हम ए से डिवाइड कर रहे हैं, सर किसको डिवाइड कर रहे हैं, सर हम बी को डिवाइड कर रहे हैं। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि सर हम ए से डिवाइड कर रहे हैं और सर हम बी को डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए तो हम फ्रैक्शंस के जो डिवीजन है उसको तीन नहीं, हम उसको कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, कि जैसे लिखा है कि वी कैन लर्न दिस इन थ्री वेज, तो जरूरी नहीं है कि वो तीन वेज ही हो फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए, यानी कि हम इसको कुछ वेज के तरीके से पढ़ेंगे, वो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बट तीन मेन है। कौन कौन से तीन मेन है, कि आप किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो सकता है कि आप मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो, आप किसी मिक्स फ्रैक्शन को या फिर आप किसी फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हो होल नंबर से, हम ये भी सीखेंगे। फिर हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन को या मिक्स फ्रैक्शन को किसी दूसरी फ्रैक्शन या फिर मिक्स फ्रैक्शन से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर तीन टाइप लिखे गए हैं कि वी कैन लर्न दिस इन थ्री डेज या फिर थ्री वेज। ठीक है, यानी कि एक होल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन से, या फिर एक मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, या फिर एक फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं एक फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन से। ठीक है बच्चे, चलिए तो यही चीज यहाँ पर लिख दी गई है कि आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि हाउ टू डिवाइड या डिविजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, या फिर डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। ठीक है, अब जहां जहां फ्रैक्शन लिखा है आप फ्रैक्शन के साथ में मिक्स फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, कि जरूरी नहीं है कि सर फ्रैक्शन ही मिले, अगर मिक्स फ्रैक्शन मिल गई तो सर हम उसको फ्रैक्शन में चेंज तो कर सकते हैं ना, कि सर अगर हमारे पास फ्रैक्शन है या फिर सर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है तो हम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप हम लोगों के पास में कौन सा टाइप है, सबसे पहला हमारे पास में देख लेते हैं कि हाउ डिविजन ऑफ है, यानी कि हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, यानी कि आप किसी होल नंबर को कैसे डिवाइड करते हो किसी फ्रैक्शन या फिर किसी मिक्स फ्रैक्शन से। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम सीखेंगे किसी होल नंबर को हम कैसे डिवाइड करेंगे किसी फ्रैक्शन या फिर किसी मिक्स फ्रैक्शन से। ठीक है, तो अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए भाई, क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं कि सर क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि आप टू को डिवाइड कर रहे हो क्योंकि एक होल नंबर है, यानी कि आप टू को डिवाइड कर रहे हो किससे, 1/3 से, और आप जानते हैं 1/3 क्या है हमारे पास में, एक फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्या चीज आपको लर्न रखनी है, क्या चीज आपको याद रखनी है, सर डिवाइड का जो साइन है सर वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि सर डिवाइड का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सर जो फ्रैक्शन है, सर जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी उसके रेसिप्रोकल में, वो चेंज हो जाएगी उसके रेसिप्रोकल में। इसीलिए आपने आज रेसिप्रोकल पढ़ा था, सबसे पहला काम सर डिवाइड का साइन हटेगा और सर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, सर दूसरा काम जो फ्रैक्शन है सर उस फ्रैक्शन का उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे कि लिखा है 2 को डिवाइड कीजिए 1/3 से, 2 को डिवाइड कीजिए 1/3 से, तो आपने कहा सर 2 तो 2 ही रहेगा, सर डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और सर 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा भाई, अगर आपसे पूछा जाए 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, तो
आपने कहा सर 3/1, आपने कहा सर 3/1, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 हो जाएगा, और आप जानते हो 2 × 3 कितना होता है बच्चे 6, और 1 × 1 होता है, आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है, यानी कि ये चीज बहुत आसान थी, सभी बच्चों को समझ में आ गई। तो आप कभी भी डिवाइड करोगे तो सबसे पहले दो ही काम करने, डिवाइड को आपको चेंज कर देना साइन को मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद वाली संख्या, डिवाइड के बाद वाली संख्या यानी कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो आप क्या लोगे उसका फ्रैक्शन का क्या लोगे आप उसका लोगे रेसिप्रोकल। ठीक है, और पहली वाली संख्या को आप हमेशा क्या रहने दोगे, अनटच रहने दोगे, आप इसको टच नहीं करोगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग एक सवाल आपसे पूछ लें। Yes, चलिए आप सभी हमें बताओगे, एक सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं कि बताइए अगर आप डिवाइड करोगे होल नंबर 7 को, और आप डिवाइड कर रहे हो कितने से, सर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 7 से, बताइए आंसर कितना आएगा, चैट सेक्शन में टाइप करते रहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, रेनू का आंसर आ गया, राघव का आंसर आ गया, श्वेता का आंसर आ गया, निशा इंद्रा का आंसर आ गया, ठीक है, वेग कुमार चेतना का आंसर आ गया, पूजा सालू, ठीक है सभी का आंसर आ गया। चलिए, यानी कि आप कहोगे जब सर एक नंबर को डिवाइड किया जाता है उसी नंबर से तो सर आंसर कितना आता है उस केस में, 1 आता है। चलिए पहला सवाल हो गया, दूसरा हम आपसे लोगों से पूछ लेते हैं कि चलिए जब आप डिवाइड करेंगे 11 को कितने से, 1/7 से, तो बताइए कितना आंसर आएगा, कीजिए 11 को डिवाइड 1/7 से। ठीक है, राघव के नाम से आंसर आ गया, रेणु का आंसर आ गया, ठीक है निशा का आंसर आ गया, श्वेता सालू वेग कुमार, ठीक है काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, सभी का ठीक भी है। यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 11 को तो अनटच रखेंगे 11, सर डिवाइड चेंज हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और सर जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगी किसमें, सर उसके रेसिप्रोकल में, यानी कि सर 1/7 का रेसिप्रोकल 7, और सर ये कितना हो गया हमारे पास में 77। जिन बच्चों ने 77 लिखा है उनका भी ठीक है, और जिन बच्चों ने 77/1 लिखा है उनका भी ठीक है। चलिए तीसरा सवाल हम आप लोगों से पूछ लेते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर, कि आपने डिवाइड किया 12 को, किससे डिवाइड किया आपने 12 को, आपने डिवाइड किया 12 को कितना ले लें, कीजिए बच्चे डिवाइड, ये मिक्स्ड में आया 12 है, नहीं बच्चे ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन 1/2/3, 1/2/3, बताइए कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। श्वेता के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया वो बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा क्या, श्वेता के नाम से, चलिए आपने कहा सर 12 को तो अनटच रखेंगे, आपने कहा सर 12 तो ऐसी रहेगा, सर डिवाइड बदल जाएगा किसमें, गुणा में, सर डिवाइड चेंज हो जाएगा हमारा गुणा में, मल्टीप्लाई में, और सर ये फ्रैक्शन जो है, सर ये जो मिक्स फ्रैक्शन थी कितनी हो जाएगी, सर 3 × 1 = 3 + 2, यानी कि सर ये 5/3 लिखा है तो सर ये हो जाएगा 3/5, और आप जानते हो मल्टीप्लाई करना, सर 12 × 3 कितना हो गया, आपने कहा सर 36, और 1 × 5 कितना हो गया 5। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, आपको भी सर क्लियर है, यानी कि अब आपसे क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जा सकता है, यानी कि आप सभी बच्चे पोल के अंदर सही आंसर कर दोगे। देखिए सबसे पहले आप स्लाइड्स देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि जब आप 2 को डिवाइड करोगे 1/3 से, तो सबसे पहला काम क्या है कि टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई दैट होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, जो आपको समझा दिया गया है कि डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई का लग जाएगा, और फ्रैक्शन चेंज होगी सर उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रोसीजर सिखाया गया है कि जब आप 2 को डिवाइड करोगे 1/3 से तो आप लिखोगे 2, सर डिवाइड चेंज हो गया किसमें, मल्टीप्लाई में, 1/3 की जगह कितना आ गया सर 3 आ गया, और 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया। कहते हैं सभी बच्चों को क्लियर था, अगर क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और फिर हम लोग आगे चलते हैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है,
तो चलिए आप लोगों के सामने सवाल आ गया है, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, क्योंकि हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आपको पता है कि सर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के आंसर पोल सेक्शन में करने होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया कि बताइए कि व्हेन फाइंड द वैल्यू व्हेन एट इज डिवाइडेड बाय फोर अपॉन फाइव। फाइंड द वैल्यू व्हेन एट इज डिवाइडेड बाय फोर अपॉन फाइव। इस बार हम कॉपी भी देखेंगे, ठीक है, तो जिसका होता रहे वो बताता रहे। ठीक है सर, हो गया। कोई बच्चा माइक ओपन करके मत बताओ, हमारा भी हो गया सर। आप लोग ना अपनी अपनी कॉपी ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, हम स्क्रीन पे सबके दिखाते दिखता रहेगा, हम एक एक बच्चे के अपने आप देखते रहेंगे। जैसे कि हमने अभी किस बच्चे की देख ली है, ठीक है, हमने अभी निशा की देख ली है, हमने राघव के नाम से बच्चे की कॉपी देख ली, ठीक है, वेग कुमार के नाम से आप दिखाई बच्चे, आप अपनी कॉपी, हाँ आप अपनी कॉपी ऑन कर लो, अपने आप दिखाई देती रहती है स्क्रीन के ऊपर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे, कैमरा ऑन तो करो, जैसे कि अभी हम सालू पंचाल की कॉपी देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चे, आंसर दिखाइए थोड़ा सा दूर करके, ठीक है, और अभी हम अरुण के नाम से कॉपी देख पा रहे हैं, और अभी पूजा सैनी के नाम से कॉपी दिख रही थी, श्वेता की कॉपी दिख रही है, और वेग कुमार अभी आप ऐसे रहने देना बच्चे, अभी आपकी कॉपी नहीं देखी हमने। ठीक है चेतना, आप भी रहने देना बच्चे, आपके पास भी आ रहे हैं। चेतना आपकी कॉपी बच्चे रखिए, वैसी रखिए, अभी देख रहे हैं चेतना। ठीक है, हाँ रेनू बच्चे आप बताइए, कोई बात नहीं, आप पोल सेक्शन में गलत हो गए, कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी दिखाइए बच्चे। रेनू, ठीक है बच्चे, आपको कॉपी के अंदर आंसर ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं पोल सेक्शन में कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है, क्योंकि कॉपी तो बहुत सारे बच्चों ने दिखा दिए, और पोल सेक्शन के अंदर अभी बच्चे, अभी दो बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। लास्ट 5 सेकंड्स आपके पास में, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता उनके लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है, वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में। सिर्फ हमें लगता है वेग कुमार के नाम से बच्चे के पास में चैट सेक्शन पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का ठीक है, यानी कि सभी बच्चे सीख गए हैं कि कैसे डिवाइड करना है। आप कहोगे कि सर क्या डिवाइड करना है, सर किसी भी होल नंबर को अगर फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो सर उसको तो अनटच रहने देंगे, क्योंकि इसको डिवाइड करना है। सर जो डिवाइड है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सर जो फ्रैक्शन है, सर फ्रैक्शन कम लेंगे रेसिप्रोकल, और 4/5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, आप कहोगे सर 5/4। और आप क्या कहोगे, सर हम जानते हैं कि सर 4 1 4 और सर 4 2 8 और सर 2 × 5 कितना हो गया 10, यानी कि सर हमारे पास में आंसर कितना आ गया, ऑप्शन बी 10। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप करें फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है सभी बच्चों को क्लियर है, अब हम लोग आगे चलते हैं, यानी कि सर इसका आंसर तो कितना हो गया 10 हो गया। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, कि किसी भी फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं किसी होल नंबर से। ठीक है, मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे कि हमने 7/8 ले लिया, कितना ले लिया हमने 7/8, और हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी होल नंबर से। भाई किससे डिवाइड कर दे रहे हैं, एक होल नंबर 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 7/8 को क्या कर दे रहे हैं, एक होल नंबर 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो वही चीज हमें करनी है, क्या करना है सर, हमें 7/8 को टच नहीं करना है, क्योंकि सर इसको तो हम डिवाइड कर रहे हैं, सर ये 7/8 ही रहेगा। सर जो डिवाइड है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, आपको कहोगे सर डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और सर 5 नहीं था ये 5/1 था, और सर इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/5 हो जाएगा, यानी कि हम 5 की जगह कितना मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चे बताइए सर जी, मैं क्लास लीव करके जा सकते हैं, मेरा भाई कहीं जा रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज देना। हां हां रिकॉर्डिंग भेज देंगे ग्रुप पर। ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 नहीं लेंगे, 5 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा हमारे पास में, आप कहोगे सर 5 का रेसिप्रोकल है 1/5, तो आप क्या करोगे, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 1 7, और आप कहोगे सर 8 5 20। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, अगर इतना क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है, अब हम आप लोगों से एक सवाल पूछ लेते हैं, फिर हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन करा लेंगे। ठीक है चलिए, देखिए ये तो हो गया कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से, लेकिन पर अगर आपके पास में एक मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, कि आप मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करोगे होल नंबर से,
पूछ लिया जाए 2 3/5 है और आप इसको डिवाइड कर रहे हो बच्चे कितने से, आप इसको डिवाइड कर रहे हो 1/ सॉरी होल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि आप इसको डिवाइड कर रहे हो 13 से, बताइए कितना आएगा आंसर। सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, एक फ्रैक्शन को या फिर एक मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो होल नंबर से। ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आ गया राघव का, ठीक है चेतना का आंसर आ गया, ठीक है हिना या फिर निशा का आंसर आ गया, ठीक है रेनू का आंसर आ गया, श्वेता मुकेश, चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। सर इसको कैसे चेंज करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, 5 × 2, सर जो भी नंबर आएगा उसके अंदर न्यूमरेटर को जोड़ देंगे और सर डिनोमिनेटर हमारा कभी नहीं बदलता, यानी कि सर 5 × 2 10, 10+3 कितना आ गया, आप कहोगे सर 10+3 हो गए 13/5। सर हमें डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और सर 13 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 13 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/13। ठीक है बच्चे, 13 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/13, तो आपने यहाँ पे लिखा 1/13। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे सर 13 से 13, 13 बन जाए 13 और 13 बन जाए 13 कट गया और सर आंसर आ गया 1 × 1 1 और 5 × 5 5। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए सर जो सामने देखेंगे स्क्रीन पर आपको फिर से प्रोसीजर समझाया गया है कि वैन, यानी कि अगर आप डिवाइड करोगे 5/6 को, डिवाइड करोगे 5 से तो कैसे करोगे, यानी कि सबसे पहले आप वही करोगे कि टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। ठीक है बच्चे, जैसे कि आप कह रहे हो कि सर मुझे 5/6 को डिवाइड करना है 5 से, तो सर मैं 5/6 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 के रेसिप्रोकल 1/5 से, और सर मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 5 से 5 कट जाएगा और सर मेरे पास में आंसर कितना आ जाएगा 1/6, कितना आ जाएगा आंसर 1/6। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर कि फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं एक होल नंबर से। ठीक है, और आशा करते हैं कि सभी बच्चे क्या करेंगे, सही आंसर करेंगे पोल सेक्शन में भी। देखिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया और हमने आपका क्या कर दिया, चैट सेक्शन बंद कर दिया है। वजह आप लोगों को पता है कि चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या होती है, कि आप सभी को आंसर करने होते हैं पोल सेक्शन के अंदर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 10/11 को आप डिवाइड कीजिए 20 से और बताइए कितना आंसर आएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। सेनू सॉरी निशा शायद अपनी कॉपी दिखा रही है, बच्चे एक सेकंड रुकना, कॉपी को ऐसे रहने देना, अभी हम स्क्रीन पर कॉपी देख पाते हैं सभी की, एक बार सभी की कॉपी देख लेते हैं। कोई भी अपनी कॉपी बंद नहीं करेगा, मतलब वो नहीं करेगा, कैमरा बंद नहीं करेगा, वो ऐसे ही खुला रहने देना। ठीक है, हम सभी की कॉपी रोटेशन पर देखते रहेंगे, जैसे कि विवेक कुमार के बच्चे ने भी अपनी कॉपी खोल ली है और निशा ने भी अपनी कॉपी खोली हुई है। जिस जिसका होता रहेगा वो अपनी कॉपी खोल लेगा, अपनी कॉपी और कैमरा कोई बंद नहीं करेगा, जैसे चेतना ने ओपन कर लिया है। ठीक है बच्चे, हमने कॉपी देख लिया काफी सारे बच्चों की, बट बंद कोई नहीं करेगा, हम सबके ऐसे ही देखते रहेंगे बार बार। ठीक है चेतना, बच्चे आपने बंद कर दी अपनी कॉपी, श्वेता की कॉपी देख पा रहे हैं, कैमरा या कॉपी बंद मत करो, हम रोटेशन पे देख रहे हैं कि कितने बच्चे ने कॉपी में कर लिया है। बच्चे आंसर दिखाइए श्वेता के नाम से, ठीक है बच्चे अब दिख रहा है आपका आंसर, सालू पंचाल के नाम से भी दिख रहा है। बच्चे फोकस कीजिए, आपका हाथ ज्यादा दिख रहा है। ठीक है बच्चे, पूजा आप बच्चे अपना बैक कैमरा फ्लिप कीजिए, पूजा के नाम से आप अपना बैक कैमरा फ्लिप कीजिए, तभी तो मैं कॉपी दिख पाएगी। ठीक है पूजा, बच्चे आपकी कॉपी नहीं दिख पा रही क्योंकि आप हमेशा फ्रंट कैमरा ही ओपन कर पाते हो। सर बंद कर लें? हाँ अब बंद कर सकते हो, क्योंकि हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी देख ली है, लगभग लगभग सभी की देख ली जितनों ने भी अपना कैमरा ऑन किया था कॉपी के ऊपर। ठीक है, सिर्फ एक की रह गई जिसके हम देख नहीं पाए, पूजा की। पूजा जब भी कैमरा ऑन करती है उनका फ्रंट कैमरा ही ऑन हो जाता है, पंखा दिखाई देता है सर। बच्चे कैमरा फ्लिप कर लो, ऊपर कैमरे का ऑप्शन आ रहा होगा। पूजा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, पूजा सैनी के नाम से, वो अगर अपना कैमरा घुमा पाएंगे तो आपका कॉपी दिखेगा, वरना तो वो आपका फैन ही दिख रहा है अभी भी। ठीक है ठीक है, चलिए पूजा आपकी कॉपी नहीं दिख पा रही, कोई बात नहीं, यानी कि आपने किया है तभी आप कोशिश कर रहे हैं कॉपी दिखाने की। अभी हम पोल सेक्शन के अंदर देख लेते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है।
पोल सेक्शन के अंदर आंसर के बिना भी दो बच्चे रहते हैं, तो लास्ट 5 सेकंड्स है आपके पास में, लास्ट 5 सेकंड्स है आप लोगों के पास में, 5 4 3 2 1। देखिए एक बच्चा अभी भी रहता है पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, और अगर एक बच्चे की वजह से इतना टाइम देना पड़ता है तो बेकार है। तो आप बच्चे जैसे ही सॉल्व हो जाए अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। अभी भी रहता है एक बच्चा, शायद वो नहीं कर रहे आंसर, तो पोल एंड किया जाता है। और जिन बच्चों के पास से पोल सेक्शन नहीं आता है वो चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए, आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अच्छा, कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा कि ए ऑप्शन किस बच्चे ने मार्क किया है? कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा? ठीक है, शायद रेनू सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, शायद बच्चे आपने ए ऑप्शन मार्क किया है, बताए बच्चे? बच्चे माइक ओपन करके बता दीजिए एक बार, यस और नो। ठीक है, तो आप बच्चे देखिए कि ए ऑप्शन इसका गलत है शायद। देखिए आपको करना क्या था, आपने कहा सर ये फ्रैक्शन है और हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा 10/11। फिर आपने कहा सर जो डिवीजन का साइन है सर वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सर जो हमारे पास में 20/1 है सर हम नंबर की जगह क्या लेंगे उसका रेसिप्रोकल, यानी कि सर 1/20, यानी कि सर हम गुणा कर देंगे 1/20 से। जब आप 1/20 से गुणा करोगे, आपने कहा सर मैंने एक नंबर न्यूमरेटर में लिया है 10, तो सर मैं डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जो 10 से डिवाइड हो जाए या फिर वो 10 को कट कर दे। आपने कहा सर मेरे को 20 मिल गया है, 10 1 जा 10 10 2 जा 20, तो सर मेरा आंसर कितना आ गया? आप कहोगे सर 1 × 1, आपने कहा सर 1, और 11 × 2, आपने कहा सर 22। 1/22 इज द राइट आंसर, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन डी इज करेक्ट। बताइए बच्चे आपको समझ में आया या नहीं आया? रेनू सैनी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है वो एक बार बताइए माइक ओपन करके, समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चे? ठीक है, यानी कि आपने वाई चैट लिख दिया है चैट सेक्शन में, समझ में आ गया। तो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगर किसी बच्चों को डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके बोल सकते हैं, और अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। सभी को समझ में आ गया ना? चलो, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए अब हम लोग सीख लेते हैं कि हाउ टू डिवाइड अ मिक्स फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, कि आप किसी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हो किसी होल नंबर से। ठीक है, और ये आप लोग जानते हो क्योंकि आपने अभी पढ़ा था, हमने बता दिया था आपको कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक सवाल है कि 4 2/3 को आपको डिवाइड करना है 7 से। कुछ नहीं करना, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है, और जब वो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा तो आपको डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और आगे लिखे नंबर का रेसिप्रोकल करना है। जल्दी से बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा इसका? 2/3 सर। 2/3, चलिए बाकी और बच्चे बताएंगे। बताइए बच्चे सर 2/3। ठीक है, यानी कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है। यानी कि आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे कि सर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड चेंज कर लेंगे। सर 3 × 4 कितना हो गया? 12 12 + 2 कितना हो गया सर हमारे पास है? 14/3। सर डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और सर ये 7/1 था सर, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया? 1/7। आपने 1/7 यहाँ लिखा, और आप जानते हो कि सर 7 हमारे पास में कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में, तो सर ये न्यूमिनेटर में लिखे हुए 14 को 2 times पर कट कट कर देगा, 2 1 जा 2, और सर 3 1 जा 3, यानी कि आंसर आ गया सर 2/3। यानी कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझ लेते हैं सवाल को भी। वैसे तो हमने ये कर ही लिया है सोल्व, बट फिर भी हम क्या कर देते हैं एक बार इसको समझ लेते हैं किस तरीके से। कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जो हमें एक मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि 4 2/3 है, तो सर आपने लिखा 3 × 4, सर जो भी नंबर आएगा आप उसके अंदर न्यूमरेटर को जोड़ दोगे, और सर डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, यानी कि कितना हो गया 12 + 2 14/3। सर सबसे पहला काम हो गया। ठीक है, सर सबसे पहला काम हो गया हमारे पास से 14/3 आ गया। सर दूसरा स्टेप क्या होगा कि अब आप डिवाइड करोगे 14/3 को 7 से, यानी कि 14/3 इज डिवाइडेड बाय 7, और आप जानते हो कि सर डिवाइड तो हो जाएगा चेंज मल्टीप्लाई में, यानी कि सर 14/3 × सर 7 का रेसिप्रोकल कितना होता है? आप कहोगे सर 7 का रेसिप्रोकल होता है 1/7, और जब आप कट करोगे 7 1 जा 7,
सेवन टू जो 14, तो आंसर आ जाएगा सर 2/3। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर था? देखिए एक बच्चा चैट सेक्शन के अंदर पूजा के नाम से अपना नाम लिखकर भेज रहे हैं, आरती। बच्चे आपको कुछ बोलना है क्या, मतलब कुछ डाउट है या फिर कुछ पूछना है क्या? बच्चे बताइए जल्दी से आरती। नो नो, आरती को मैंने वो मैसेज करने के लिए बोला था कि आप अपना नाम कमेंट में एक बार वो करना। ठीक है सर, बच्चे अभी माइक बंद कर लेंगे। देखिए बच्चे अपना नाम चैट सेक्शन में नहीं लिखना है, हमें सिर्फ हमें ये बताना है कि समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर देना, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो रिपीट लिख देना या फिर अपना माइक ओपन करके बता देना कि सर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, यानी कि सभी को समझ में आ गया। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए आपसे पूछा गया है, सामने देखेंगे सर बच्चे स्क्रीन पर। पहले हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, वजह आपको पता ही है कि जो भी आपके पास एट के पता नहीं लग रहा क्या है ये। वही 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 हम लिख रहे हैं बच्चे, हम इसीलिए बोल रहे थे कि चैट सेक्शन बंद कर दिया है ताकि आप ना लिखो जल्दी से। देखिए यहाँ पूछा गया कि आप डिवाइड कीजिए 8 4/5 को 11 से, यानी कि आपको डिवाइड करना है 8 4/5 को 11 से। ठीक है बच्चे, बताइए कितना आएगा। हमने आपका सॉरी चैट सेक्शन बंद कर दिया और पोल सेक्शन अब हम आप लोगों का ऑन कर देते हैं, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर हो गया सर। ठीक है, देखो बच्चे का होता रहे, वो बच्चे क्या करें, अपनी कॉपी के सामने कैमरा करके रख लें और हम सभी की कॉपी एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दो बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन की है, आकांक्षा के नाम से और विक्रम के नाम से। लास्ट क्लास में भी बच्चे आप लेट आए थे काफी, हमें याद है आकांक्षा के नाम से लास्ट क्लास में बहुत लेट ज्वाइन की थी। बच्चे आप अपना कैमरा बंद मत कीजिए राघव के नाम से, हमने कॉपी देख ली है बट कैमरा बंद मत कीजिए फिर भी। ठीक है बच्चे, चलिए सालू के नाम से भी देख ली हमने कॉपी और निशा की कॉपी देख ली हमने, वेद कुमार के नाम से हमने कॉपी देख ली है और हमने चेतना की कॉपी देख ली है। सालू बच्चे एक बार फिर से दिखाना अपनी कॉपी, आप सालू पंचाल के नाम से, सालू पंचाल के नाम से एक बार फिर से दिखाना बच्चे कॉपी अपनी। ठीक है बच्चे, वो लास्ट में आपका आंसर नहीं दिखा था, आपने कट करके लास्ट में लिखा हुआ है कॉर्नर में। ठीक है, पूजा के नाम से अगर बच्चे आप अपनी कॉपी दिखा पा रहे हो तो दिखाने की कोशिश कीजिए, वो आपका कैमरा हमेशा फ्रंट कैमरा ही चलता है, कोशिश कीजिए एक बार अगर दिखा पाते हो पूजा के नाम से। हाँ बच्चे अब ठीक है बच्चे, ऐसी अरे रखो थोड़ी देर के लिए ऐसी रखो बच्चे, बच्चे घुमाऊं मत ना, घुमाऊं मत ना, वैसे रखो कॉपी की तरफ। अभी आपका एक मिनट रुको सर, एक मिनट रुको। हाँ आपका फैन ही दिखाई देता है सर, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद करके ही आप कैमरा ऑन करके रखिए। चलिए इतना पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स देखते हैं। पूजा इतने आप अपना कैमरा देखिए अगर हो पाता है सही से। अभी 3 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट के बिना, इतने बाकी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, लास्ट 5 सेकंड्स है। पूजा अगर हो पाता है तो आप दिखाइए कॉपी अपनी। फ्रंट कैमरा ऑन हो रहा सर, बैक हो ही नहीं रहा। हाँ तो आप रहने दीजिए, शायद देखो ऊपर एक कैमरे का ऑप्शन बना आता है, जब आप उसको दबाओगे तो कैमरा पीछे का हो जाएगा। हाँ अब ठीक है बच्चे, अब ठीक है। बच्चे आंसर की तरफ कीजिए एक बार। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है, कैमरा माइक बंद कर लीजिए पूजा अपनी। ठीक है, अब पता लग गया ना पूजा को कि फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे पे कैसे जाते हैं। तो अब हम आपका पोल सेक्शन के अंदर बता देते हैं कि अभी सिर्फ एक बच्चा रहता है, लास्ट 5 सेकंड्स हैं, 5 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। शायद सिर्फ एक ही बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, ठीक है, यानी कि आप सभी का ठीक है, 100% रिजल्ट है इस क्वेश्चन का, सभी बच्चों का ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार हम फिर से समझा देते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो शायद वो क्लियर हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा गया है, क्या चीज़ पूछी गई आप लोगों से,
कि जब आप 8 4/5 को डिवाइड करोगे 11 से तो कितना आएगा। देखिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है फ्रैक्शन के अंदर। कैसे चेंज करेंगे सर, आप जानते हो 5 की मल्टीप्लाई 8 में क्या, सर 5 × 8 कितना हो गया हमारे पास है 40, और सर 40 के अंदर हमने 4 ऐड किया, और सर डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलेगा 5 ही रहेगा, तो कितना हो गया हमारे पास है 44/5। सर डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सर ये 11/1 था तो सर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/11, तो सर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/11 के साथ में। और आप जानते हो कि सर 11 × 1 = 11 और 11 × 4 = 44, तो सर 4 × 1 कितना हो गया हमारे पास है 4, और 5 × 1 कितना हो गया हमारे पास है 5, यानी कि सर आंसर आ गया हमारे पास है 4/5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का सही आंसर। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? हाँ, हमने ज्यादातर कॉपी बच्चों की देखी है, उन्होंने मल्टीप्लाई किया है। कैसे सर, 44/5 मल्टीप्लाई किया उन्होंने 1/11 के साथ में, तो ये आ गया 44/55। उन्होंने तब कट किया है 11 × 4 = 44, 11 × 5 = 55, बच्चे तब भी सही है। हमने ज्यादातर कॉपी में देखा है कि बच्चों ने इस तरीके से मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, चलो तो इतना सही बच्चों का क्लियर है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि इसका सही आंसर कितना है सर, 4/5 है। अगर हम आपसे पूछा जाए कि आप एक फ्रैक्शन को किसी दूसरे फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हो, तो इसके अंदर भी सिंपल सा वही लॉजिक है कि भाई एक फ्रैक्शन हमारे पास है 2/5 और डिवाइड करना है इसको हमें कितने से, 7/5 या 5/7 से। तो हमें करना कुछ नहीं है सर, इसको तो अनटच रखेंगे क्योंकि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। सर डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सर इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि सर ये हो जाएगा 7/5। तो हमने सर मल्टीप्लाई कर दिया 7/5 से, तो कितना हो गया 2 × 7 कितना हो गया बच्चे 14, और 5 × 5 कितना हो गया हमारे पास में 25। यानी कि हमें याद क्या रखना है सर, जो पहली वाली नंबर है, चाहे सर ये होल नंबर है, चाहे ये फ्रैक्शन है, चाहे मिक्स फ्रैक्शन है, सर हमें सर चेंज तो नहीं करना है, बट डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो सेकेंड वाली फ्रैक्शन या होल नंबर है सर ये चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल के अंदर। ठीक है बच्चे, ये चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल के अंदर। चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल है, बताइए कि जब आप 2/5 को डिवाइड करते हो 8/11 से तो कितना आंसर आता है। सभी बच्चे इसको सॉल्व करिए और बताइए। हो गया सर, चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजिए, चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है चेतना बच्चे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ा है एक बार। ठीक है श्वेता बच्चे, एक बार अपना आंसर क्रॉस चेक कीजिए श्वेता, कि आपने मल्टीप्लाई सही किया कि नहीं किया बच्चे श्वेता के नाम से। ठीक है श्वेता ने भी अपना करेक्ट कर लिया। चलिए काफ़ी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है, सभी का लगभग लगभग ठीक है। देखिए आपने कहा सर पहली वाली फ्रैक्शन को तो हम चेंज रखेंगे अनचेंज, सर डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और सर इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 11/8, तो सर हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 11/8 से। फिर आप कहोगे सर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यहाँ पर सर न्यूमरेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर मिल गए सर जो एक ही नंबर से कट जाएंगे 2 से, आपने इनको कट कर दिया 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो सर हमारा आंसर आ गया है 1 × 11 = 11, और सर 5 × 4 आप कहोगे सर 5 × 4 = 20, यानी कि सर आंसर आ गया 11/20। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करें या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए सर मुझे डाउट है। ठीक है यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया, तो अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए समझ लेते हैं, यानी कि सर हम क्या करेंगे सबसे पहले कि टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई दैट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फ्रैक्शन, यानी कि आप अगर डिवाइड कर रहे एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से तो आप क्या करोगे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फ्रैक्शन, और भाई इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, आपको होगा सर रेसिप्रोकल होगा हमारे पास में 11/8। ठीक है बच्चे, यानी कि अगर 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 11/8 से तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, और सर ये हो गया 11/20। सभी बच्चों को क्लियर भी आ गया था, और हमने क्या कर दिया आपको स्लाइड के ऊपर समझा भी दिया। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर, सभी बच्चे इसको सही आंसर करेंगे, यानी कि सभी बच्चे इसको सही आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। देखिए आप लोगों के आंसर सामने एक सवाल आ गया,
सवाल नंबर 77 और हमने आपका कर दिया है चैट सेक्शन बंद, क्योंकि वजह आपको पता होती है चैट सेक्शन बंद करने की कि सभी बच्चे क्या कर सकें, ताकि सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कर सकें। ठीक है, चलिए जिस बच्चे का हो जाए वो अपनी कॉपी भी कैमरा भी ऑन कर सकता है कॉपी के सामने। हम देख पा रहे हैं कि एक तो निशा का हो गया है, एक राघव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया है उनका हो गया है, एक चेतना का हो गया है, और सभी बच्चे अभी कॉपी अपनी ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि अभी हम सभी बच्चों की कॉपी देख रहे हैं 1-to-1, तो कभी किसी की देख लेते हैं कभी किसी की, इसी वजह से सभी बच्चे क्या रहने देंगे अपनी कॉपी और कैमरा खुले रहने देंगे। जैसे अभी हम सावलू पंचाल का देख पा रहे हैं, ठीक है बच्चे, और अभी हमने पूजा का देख लिया है, पूजा सैनी का, उनको कैमरा सही करना आ गया है तो उनका आंसर भी ठीक है। हमने चेतना का भी ठीक चेतना का भी देख लिया, और अभी हम किसका देख रहे हैं, शायद अभी हम निशा का देख रहे हैं, ठीक है, और अभी हम श्वेता का देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमने जितनी भी कॉपी देखी सभी का आंसर ठीक है। तो देख लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चे ने रिस्पॉन्स कर दिया। अभी 1, 2, 3, 4 बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स नहीं किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आते हैं वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे। ठीक है, चलिए, यानी कि आप सभी के आंसर ठीक हैं, सिर्फ हमें एक बच्चे की तलाश है, सिर्फ एक ही बच्चे ने गड़बड़ की है। पहले वो बच्चा हमें बताएगा जिसने ऑप्शन सी लगाया है। कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा किसने बच्चे ने ऑप्शन सी लगाया है। बच्चे पता तो सभी को होता है कि किसने लगाया है, तो एक बार अपना माइक ओपन करके बताइए किसने लगाया है। चलिए चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो। देखिए आपसे पूछा गया था कि जब आप 7/8 को डिवाइड करते हो 7/16 यानी कि 16 से तो कितना आंसर आता है। आपने कहा सर पहली फ्रैक्शन तो ऐसी रहेगी क्योंकि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, सर डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सर इसको हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 16/7, और सर हम जानते हैं कि सर 7 से तो 7 कट गया, 7 × 7, और सर हम जानते हैं 8 × 8 और 8 × 16, तो सर आंसर कितना आ गया, सर आंसर आ गया 1 × 2, तो सर 2 आ गया, और सर 1 × 1 कितना आ गया सर हमारे पास में, यानी कि आंसर आ गया सर 2/1 यानी कि 2। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? अभी तक किसी बच्चे ने चैट सेक्शन में ये नहीं लिख के बताया कि किसने सी ऑप्शन भेजा था, सिर्फ एक ही बच्चा है वो क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए इतना सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करा लेते हैं क्योंकि ये एक बच्चे ने गलत कर दिया है तो हम चाहते हैं कि 100% रिजल्ट तो आए पोल के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आप लोगों से, यानी कि सर इसका तो आंसर बी सही है 2। देखिए आप लोगों के सामने एक और सवाल आ गया है, बहुत ही सोच समझ कर आपको करना है आंसर। पहले तो हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, ठीक है, वजह आपको पता है कि सर आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है, इसलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया। दूसरा, अभी हमने पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। देखिए आपसे पूछा गया कि जब आप 4/5 को डिवाइड करोगे 2/3 से तो बताइए आंसर कितना आएगा। ठीक है, आप कॉपी आंसर मतलब कॉपी खोल के रखिए कैमरे के सामने, हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। बच्चे सोच समझ कर पोल करना है, 100% रिजल्ट चाहिए क्वेश्चन के अंदर, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सॉल्व करके अपनी कॉपी के अंदर, हाँ बच्चे कॉपी मतलब कैमरा खोलिए, कॉपी के ऊपर रखिए, हम देख रहे हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने पूजा की कॉपी देख ली है, ठीक है, पूजा का आंसर ठीक है, उसके बाद हमने राघव के नाम से भी कॉपी देख ली है, उसके बाद हमने निशा और हिना की कॉपी देख ली है, और उसके बाद हमने सालू पंचाल के नाम से कॉपी देख रहे हैं। बच्चे एक मिनट रुकिए, एक मिनट, वेब कुमार के नाम से हमने देख लिए, सालू पंचाल के नाम से, और अभी हम देख रहे हैं श्वेता की कॉपी। बच्चे फोकस नहीं आ रहा है श्वेता कॉपी पर, बिल्कुल भी ब्लर्ज हो रखा है एकदम, बच्चे नहीं दिख रहा है आंसर। ठीक है बच्चे, ठीक है अब ठीक है, चेतना की कॉपी देख रहे हैं अभी हम, ठीक है,
चलिए हमने काफी सारे बच्चों की कॉपी देख ली है, तो अभी हम देखते हैं कि कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स कर दिए। तो अभी रहते हैं दो बच्चे पोल सेक्शन के लिए, लास्ट 5 सेकंड्स हैं। वैसे अभी तक पोल के अंदर किसी का गलत नहीं हुआ है, तो लास्ट 5 सेकंड्स हैं, वो दो बच्चे भी सही करेक्ट आंसर पोल कीजिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। शायद सिर्फ एक ही बच्चे जिनके पास में या दो बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, तो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में, ठीक है। यानी कि 100% रिजल्ट रहा है इस क्वेश्चन के लिए भी। वो बच्चे सिर्फ गलती से गलत कर देते हैं एक जो गलत होता है। इस बैच के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे आंसर करते हैं और सभी के करेक्ट होते हैं। देखिए आपसे पूछा गया कि 4/5 को डिवाइड करना है सर, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सर 2/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? सर 3/2, हमने गुणा कर दिया 3/2 से। फिर आप कहोगे सर 2 से कट जाएगा 4, यानी कि 2 1 2, 2 2 4, और सर मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आ गया? सर 2 × 3 कितना हो गया हमारे पास में? 6, और सर 5 × 1 कितना हो गया हमारे पास में? आप कहोगे सर 5, यानी कि सर आंसर आ गया 6/5। आप कहोगे सर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि सर 6/5 हमारा सही आंसर है। देखिए ये क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिविजन ऑफ फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिमल से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डेसिमल। सभी बच्चों को क्लास टाइम से ज्वाइन करनी है, हमने आपको बता भी दिया है कि नेक्स्ट क्लास सभी बच्चे 15 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे ताकि सारा होमवर्क डिस्कस किया जाए उन 15 मिनट के अंदर।